हम एक्सेल में लिखते हैं वन, फिर टू लिखते हैं, है ना। वन टू लिखने के बाद जैसे वन टू को सिलेक्ट करके अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, काउंटिंग आ जाती है ना। ऐसे मैं चाहता हूँ जब आप ए लिखो बी लिखो तो ऑटोमेटिकली ए टू जेड आ जाए, तो वो कर सकते हो तुम? यस सर, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, करके दिखाओ। उसके लिए आपको पहले यहाँ पे ए लिख देना है, ठीक है। ठीक है, ए लिखने के बाद आपको नीचे आना है। हाँ। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपको एक फंक्शन लगाना है इज इक्वल टू में सी एच ए आर कैर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और आपको लिखना है सी ओ डी ई कोड, कोड फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद आपको ए को सिलेक्ट करना है, ठीक है, रेफरेंस देके। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके प्लस वन लिखना है। प्लस वन, हाँ। क्यों? क्योंकि हमें इसके आगे का नहीं लिखना, मतलब बी सी डी बी आ जाए, हाँ, बी आने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे बी लिख के आ जाएगा, ठीक है। एक का आ गया, सबका निकालना है, इसको सिलेक्ट करोगे पूरा और कंट्रोल डी कर दोगे तो सबका आ जाएगा। वेरी गुड।